शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारा वातावरण आज शुद्ध हवाओं के बजाय भरा है गाड़ियों और फैक्ट्रियों के उभरते हुए धुएं और जहर से। नतीजा घुटन, सांस में तकलीफें और बीमारियां, जिनमें से एक है अस्थमा यानी कि दमा। दमे के शिकार अपना जीवन पूरी तरह से जी नहीं पाते। हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे योगासन जो आपके जीवन में लाएंगे एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। तो आइए हमारे साथ और सीखिए अस्थमा पर विजय पाने के और उससे बचाव के तरीके। ताड़ासन। पैरों को आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाइए। हाथों को बगल से सिर के ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिला दें। हथेलियां बाहर की तरफ हों। अब पंजों के बल धीरे धीरे शरीर के ऊपर की ओर उठाएं। जब तक हो सके इस स्थिति में रहें। ताड़ासन। पैरों को फैलाकर सीधे खड़े हो जाइए। हाथों को कंधों की सीध में दोनों तरफ फैलाइए। हाथों को उठाकर सिर के ऊपर लाइए और दोनों पंजों को आपस में मिलाइए। हाथों को सीधा रखकर अपने बाईं ओर झुकिए। शरीर को सीधा रखें एवं आगे व पीछे ना झुकें। सीधे होइए और फिर अपने दाईं ओर झुकाइए। पाद हस्तासन। अपने पैरों को साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद और मन शांत रखें। हाथों को सीधे ऊपर उठाते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें। आगे की तरफ झुकें और अपने हाथों से पैरों को पकड़ें। अपनी नाक से घुटनों को छूने की कोशिश करें। सीधे खड़े हो जाएं। अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और ऊपरी शरीर पीछे की तरफ मोड़ें।
भुजंगासन। पेट के बल लेट जाइए। हथेलियों को कंधों के बाजू में जमीन पर रखिए। कोहनियां धड़ से लगी हुई और जमीन पर। गहरी श्वास लेते हुए धड़ को कोहनियों के बल उठाएं। गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। कुछ देर इस स्थिति में रहें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति में आ जाएं। अब हथेलियों के बल अपने धड़ को उठाएं। ये करते हुए गहरी श्वास लेना ना भूलें। इस आसन के तीसरे भाग में आपको घुटने मोड़कर धड़ को हथेलियों के बल उठाना है। याद रखिए, ये करते समय आपको श्वास अंदर लेनी है। इस स्थिति में जितनी देर रुक सकें रुकें। योग स्थितियों में ये जरूरी नहीं कि आप एक स्थिति में कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड रुकें। जितना मुमकिन हो उतनी ही करें। जैसे जैसे आप योगासनों का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आपको अपनी क्षमता बढ़ती नजर आएगी। भुजंगासन आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। भुजंगासन से आपके कंधे भी मजबूत बन जाते हैं।